आतिफ साहब, फैसला जुड़ा हुआ है इस वक्त साथ, जो एक ख्वाहिश मौजूद थी ना कि 2/3 मेजोरिटी मिलेगी, तो खबर चलाई जाती थी या ये फीलर छोड़ा जाता था कि चीफ जस्टिस की जी रिटायरमेंट जी एज को हम बढ़ा देंगे और ये कर देंगे और वो कर टर्म देंगे, बढ़ा देंगे, तीन साल की ये टर्म तीन कर साल की देंगे। टर्म कर जी देंगे, जी तो वो सारी चीज़ें, वो सारे ख्वाब या वो फीलर्स जो थे, वो सारा कुछ धड़ाम से नीचे ज़मीन पर आ गिरेगा। देखिए, उसमें दो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आपने अभी केस की बात की। पहली बात तो यह है कि हमेशा जो कानून बनता है, मतलब हम भी लेजिस्लेचर रहे हैं 10 साल से, चौधरी साहब भी हैं, स्पिरिट ऑफ लॉ एक चीज़ होती है, जो लोग कहते हैं ना लेटर एंड स्पिरिट। स्पिरिट ऑफ लॉ क्या है कि इलेक्शन में जो लोग जिस पार्टी को या जिस ग्रुप को या जिस बंदे को वोट दें, उसी हिसाब से उसको प्रोपोर्शनेट सीटें मिलनी चाहिए। तो केस तो यही है कि जी हमें सीट वो वोटें मिली हैं तो हमें ही रिजर्व सीटें मिलनी चाहिए। तो ये कहाँ का इंसाफ है? एक पार्टी की एक सीट है और उसको आप दो रिजर्व सीटें दे रहे हैं, मतलब ये कोई अकल मानती है? मतलब इस तरह तो नहीं हो सकता ना कि जज इस तरह का फैसला कर दे। ठीक है, टेक्निकल ग्राउंड्स अपनी जगह होंगी। दूसरी बात जो मुझे इसमें बड़ी अजीब लगी है, जो आपने अभी जिक्र किया, सुप्रीम कोर्ट ये कहती है कि जी ये इंटरप्रिटेशन गलत की इलेक्शन कमीशन ने, और साथ में ये भी कहते हैं कि ये जी हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है इसको ठीक करना। मतलब अगर हमारी आपस में लड़ाई है या कोई गलत मैंने किया है तो तभी आप कोर्ट जाएंगे ना, और कोर्ट उसको ठीक करेगी। तो अगर कोर्ट सिरे से अपने आप को निकाल ले, इस मामले से नहीं निकाल सके क्या? अब ये कह रहे हैं उसके ना, फैसले के नतीजे में इलेक्शन कमीशन ने इंटरप्रिटेशन की, उसी के एग्जैक्टली ऊपर 8/8 का इलेक्शन एग्जैक्टली हुआ, और वो तो ये अब कह रहे अदालत हैं गए, कि हमें पता ही नहीं है, तो ये बात तो वो मानने कह रहे वाली हैं नहीं कि है। हमें पता नहीं है, और ये कह रहे हैं कि जी उन्होंने गलत इंटरप्रिटेशन की, और साथ में कह रहे हैं कि जी हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी नहीं है इसको ठीक करना। तो अगर आपके फैसले, इलेक्शन कमीशन ने गलत फैसला आपने किया, इलेक्शन कमीशन ने उसको गलत इंटरप्रेट किया, और सज़ा उसकी, आप जो लोगों को सीटें मिलनी चाहिए जो अवामी मैंडेट है उनको, आप उसको कैसे उससे मतलब फारिज बात कर सकते जजेस हैं? थे जिनके जो ऑब्जर्वेशंस थी बड़ी मानीखेज थी, जैसे जस्टिस अतर मिनल्ला हैं, जस्टिस मंसूर हैं, मंदोखेल हैं, जस्टिस मुनीब हैं, या अफरीदी हैं, जस्टिस आयशा हैं, क्लियरली वो लाइन ड्रॉ कर रहे थे कि नहीं, ये स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी, जो आपने स्पिरिट ऑफ लॉ इस्तेमाल की, उन्होंने स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी, जी। लोगों की मंशा क्या थी।